हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने जीते हुए पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों को किडनैप करने का आरोप लगाया है। शिमला में डली बीडीसी बाट से चुनावी लड़े और जीते कांग्रेस समर्थित सदस्य को भाजपा नेताओं द्वारा एक सप्ताह से ज्यादा समय तक हिमाचल से जबरन उठाकर बंधक बनाए जाने का कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया है। हिमाचल सरकार के इशारों पर भाजपा पदाधिकारी सहित विधायक नेता और मंत्री ऐसे कारनामों में संलिप्त हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि राजनीतिक खरीद फरोख्त के इस घटिया हथकंडे की राज्यपाल से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो कोर्ट में भी कांग्रेस जाएगी, कांग्रेस के लोग FIR भी दर्ज करेंगे। आगामी नगर निकाय चुनावों को पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ने की मांग उठाई है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस के जीते हुए BDC सदस्य के आरोपों और शिकायतों के आधार पर पुलिस और कानून को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी शिकायत दर्ज करेगी। देखिए, अभी मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी ये बात बड़ी तफसील से कही है कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार इस तरह की घटना प्रकाश में आई है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि उसे अगवा किया गया, 7 दिनों तक उसे इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया, उस व्यक्ति के फोन छीन लिए गए, उस व्यक्ति को किसी से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, यहाँ तक कि अपने परिवार से बात करने की इजाज़त भी नहीं दी गई और उस पर प्रलोभन दिया गया, दबाव बनाया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जो है वोट दे। ये तो एक केस है, यहाँ कई अनेकों इस तरह के केस जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। और मैं तो बार बार आप लोगों के सम्मुख ये बात करता आया हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त एक डर और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को चोर दरवाजे से प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। जनादेश इनको नहीं मिला, लेकिन उस जनादेश को चुराने का जो है प्रयास कर रही है। मैं तो ये बात कहते आया हूँ और इस घटना के बाद जो मेरा स्टैंड है इट हैज बीन विंडिकेटेड। FIR करेंगे सर, क्या एक्शन लेगी? देखिए, हम कंप्लेंट करेंगे इसकी, निश्चित तौर पे हम पार्टी की तरफ से कंप्लेंट करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने ये आरोप लगाए और ये मामला मीडिया में भी आया, जो हिमाचल की पुलिस है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और FIR खुद लॉन्च करनी चाहिए। ये क्या डेस्परेशन सर पॉलिटिकल पार्टी की? आपको कैसे पता लगा कि किन टैक्स पे आपको लगता है कि बीजेपी ने करवाया है या वो हाथ है इसमें या धांधली हुई है? देखिए, जब एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो है जो दीप कमल है वहाँ मुझे ले गए किसी वार्ता के बहाने और उसके बाद मुझे अगवा किया गया, तो इट इज सफिशिएंट। अब ये कोई बहस का विषय थोड़ी नहीं, जब व्यक्ति ने स्पष्ट तौर पे कहा, बाकी पुलिस जांच करे, जांच में जो बात सामने आएगी स्पष्ट रूप से पता लगेगा। आपने कहा है कि आने वाले जो निकाय चुनाव है होने हैं वो सिंबल पे होने चाहिए, इसके पीछे क्या मोटिव है? देखिए, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि इन्होंने दर्जनों जगह पे हेरा फेरी करके दबाव बना के जो है अपनी नगर परिषद पे और अपनी जो हमारे ब्लॉक समितिज है वहाँ इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुख्यमंत्री का जो अपना जिला है, जो जिला परिषद का वहाँ अध्यक्ष बना है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीता है? उसने तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जिसको ये समर्थन कर रहे थे उसको अध्यक्ष बना दिया गया, तो ये कैसा लोकतंत्र है? आप तो अपने लोगों के साथ भी अन्याय कर रहे हो, जिन लोगों का आपने समर्थन किया, जो आपके समर्थन से जीत के आए, आज आप उन पे उन लोगों को बिठा रहे हो जो आपके लोगों को हरा के चुनाव जीते हैं। तो ये व्हाट सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़।